हेलो हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को। कैसे हैं भाई सभी? आप एक बार बताना, वॉइस और वीडियो दोनों चीज़ें ठीक ठाक है ना? कैसे हैं आप सभी? एक बार बताना, वॉइस और वीडियो दोनों चीज़ें ठीक ठाक है? एक बार बताएं सभी, इज़ एवरीथिंग ओके? क्या सब कुछ ठीक ठाक है? आ जाओ गुरु जी, आगे भाई, आगे आगे। प्रणाम भाई सभी को। आगे भाई, ये चैप्टर नंबर 14 है भाई, चैप्टर नंबर 14 है, ये चैप्टर नंबर है आपका 14। चैप्टर नंबर 3 नहीं है, पोस्टर पुराना लग गया। चैप्टर नंबर 14 है, ठीक है? सब ओके है गुरुजी? ओके भाई, थोड़ा सा लेट हो गए, वो क्या बोलते हैं उसको, विराट कोहली का शतक देख रहे थे। चलिए सर जी, राम राम, राम राम भाई सभी को, राम राम, जय हिंद भाई सभी को, सभी को जय हिंद भाई। चलिए भाई, करते हैं शुरू आज का काम, लेके प्रभु का नाम। अच्छा, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग इतना, मतलब इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्रेम दिखाते हो अपने अध्यापक के प्रति, इतना सम्मान है आपके, मतलब जहन में अध्यापक के प्रति, तो उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। आप इतने अच्छी अच्छी मतलब लाइंस लिखते हो अध्यापक के, अपने अध्यापक के लिए इतने सुंदर सुंदर से उपहार भेजते हो। आपने बहुत ही अच्छा उपहार भेजा मनीष ने, तो आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। हाँ बिल्कुल सही बात है पंकज भाई, बिल्कुल सही बात है, शतक तुम्हारा, ट्रॉफी मिलती नहीं। चलो देखो भाई, आ जाओ, देखो मेरे भाई, नमस्ते भाई सभी को, नमस्ते, जय हिंद भाई सभी को, नमस्ते, जय हिंद। थोड़े से कमेंट बड़े कर लूँ मैं आपके। नमस्कार भाई अनिल, मास्टर जी नमस्कार। चलिए आ जाइए भाई। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, पूछ रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा होता है मेरे भाई? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वर्ड स्टार होता है, बिल्कुल होता है। के राइट होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ लेखक की बजाय राइटर कर लेना, यहाँ पर लेखक की बजाय क्या कर लोगे, क्योंकि लेखक एक अलग चीज़ है, राइटर एक अलग चीज़ है, राइटर एक सॉफ्टवेयर है, वो लेखक सॉफ्टवेयर नहीं है। तो सभी क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है मेरे भाई। यहाँ राइटर कर लोगे, क्या कर लोगे, यहाँ राइटर कर लोगे मेरे भाई, ठीक है ना? पेवा मेला लग रहा है गुरु जी, आओ घूमने। अच्छा, पेवा में मेला लग रहा है जी, बिल्कुल आएंगे भाई। नमस्कार भाई मनदीप, नमस्कार सभी को। एमएस ऑफिस का संबंध किस एप्लीकेशन से है? एमएस ऑफिस का संबंध किस एप्लीकेशन से, मतलब एमएस ऑफिस की निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन है? तो वर्ड जो है एमएस ऑफिस की एप्लीकेशन है भाई। एमएस ऑफिस क्या है, एक पैकेज है। एमएस ऑफिस क्या है, एक पैकेज है, एक सूट है, उस सूट का पार्ट है वर्ड, उस सूट का क्या पार्ट है, वर्ड है। एमएस वर्ड मूल रूप से खालिस्तान प्रयोग किया जाता है, खालिस्तान के लिए प्रयोग किया जाता है, तो दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए प्रयोग किया जाता है एमएस वर्ड भाई। एमएस वर्ड किस लिए प्रयोग किया जाता है, डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है एमएस वर्ड, ठीक है ना? क्लियर बात सभी को। डिफॉल्ट जूम लेवल कितना होता है, डिफॉल्ट जूम लेवल होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 100। कितना होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट जूम लेवल, वो 100 होता है मेरे भाई, ठीक है ना? परवीन बेनीवाल करें, सब आप डिजर्व करते हो सम्मान जी, थैंक यू सो मच परवीन भाई। फॉर्मेटिंग टूल बार पर उपलब्ध सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट कौन सा है? सबसे छोटा है 8 और 72 का, सबसे छोटा 8 का होता है, सबसे बड़ा 72 का होता है भाई। सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक नई फाइल में दस्तावेज के परिवर्तनों को सेव करता है, यानी कि चेंज किए हुए सेव हो जाएं, वो कहाँ होते हैं? तो सेव एज में होते हैं, चेंज किए हुए सेव जो होते हैं वो कहाँ होते हैं मेरे भाई, सेव एज के अंदर होते हैं चेंज किए हुए, है ना? चलिए भाई, चयनित टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आप निम्न में से किसे चुनेंगे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना है तो कट और पेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, कट और पेस्ट करेंगे भाई, कट और पेस्ट। इसमें हालांकि चारों ऑप्शन सेम है, कॉपी कॉपी पेस्ट नहीं होगा, ले जाएं यानी कि मूव मूव और पेस्ट, यहाँ पर लिखा था मूव और पेस्ट, मूव और पेस्ट, कट और पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे पेस्ट है, कट और पेस्ट। तो सी इज राइट आंसर, ए नहीं, इसका सी राइट आंसर कर लेना, उसको मूव लिखा होगा शायद वहां पर, मूव है ना, तो इसका सी जो है वो राइट आंसर, सही उत्तर कर लेना मेरे भाई। एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सब होता है छोटा, सुपर होता है ऊपर, है ना? सब करने के लिए छोटी शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस इक्वल शॉर्टकट की है, तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस,
सबस्क्रिप्ट ले लियो, आंसर सही दिया है भाई, गलत दिया है। कंट्रोल प्लस इक्वल आएगा, कंट्रोल प्लस क्या आएगी, सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल आएगी, शॉर्टकट की क्या आएगी, कंट्रोल प्लस इक्वल शॉर्टकट की आएगी। क्या आप वाली बुक में सही है, एक बार चेक करना, क्या आप वाली बुक में ही सही है, चेक करना, हो सकता है ये पुराना वर्जन क्योंकि मैंने करेक्शन से पहले लिया हुआ है। कट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स है भाई, कट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स जो है कट करने के लिए शॉर्टकट की होती है भाई, ठीक है। निम्न में से किस कुंजी संयोजन को दबाकर एमएस वर्ड में एक पेज ब्रेक डाला जा सकता है, पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल प्लस एंटर होता है मेरे भाई, पेज ब्रेक के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर किस लिए होता है, लाइन ब्रेक के लिए होता है। वर्कशीट के कॉलम और रो यानी कि रो और कॉलम के मिलान को क्या कहा जाता है, शेल कहा जाता है, जहाँ रो और कॉलम मिलती है इंटरसेक्शन होता है वहाँ क्या कहा जाता है, शेल कहा जाता है मेरे भाई, क्या कहा जाता है, शेल कहा जाता है भाई, ए ऑप्शन में है, ठीक है। अगर ए ऑप्शन में है तो श्रेणियों पर यानी कि आपकी टेबल्स में कीमतों की तुलना करने के लिए किस प्रकार का चार्ट उपयोगी है, एक्सेल में, शीट में, शीट में अगर कीमतों की तुलना करनी है तो उसके लिए चार्ट कौन सा उपयोगी है, तो उसके लिए कौन सा चार्ट होता है कि कीमतों की तुलना करने के लिए, ये वाला चार्ट होता है मेरे भाई, ठीक है ना, ये वाला चार्ट जो है कीमतों की तुलना करने के लिए होता है, ये वाला चार्ट, तो ये कौन सा चार्ट होता है, कॉलम चार्ट होता है, कौन सा चार्ट होता है, कॉलम चार्ट होता है भाई। कौन सा फंक्शन एक्सेल को बताता है कि कितनी संख्यात्मक प्रविष्टियां हैं, तो काउंट फंक्शन बताता है कि न्यूमेरिकल एंट्री कितनी है, संख्यात्मक मतलब न्यूमेरिकल एंट्री कितनी है मेरे भाई, न्यूमेरिकल एंट्री कौन बताता है, काउंट फंक्शन बताता है, और काउंट ए फंक्शन जो होता है वो क्या बताता है, वो बताता है खाली कितनी नहीं है, मतलब न्यूमेरिकल भी बताएगा और टेक्स्ट भी बताएगा, न्यूमेरिकल प्लस टेक्स्ट दोनों को मिला करके बताएगा, यानी कि ये बताता है खाली कितनी नहीं है, काउंट ए फंक्शन होता है जो, है ना। वेरी गुड इवनिंग भाई, सारी सभी को गुड इवनिंग। एम एस एक्सेल में कौन सा फंक्शन नहीं है, इनमें से एम एस एक्सेल में कौन सा फंक्शन नहीं होता, तो ये बहुत बार मैंने आपको बताया है कि ए वी जी फंक्शन जो है एक्सेल के अंदर नहीं होता है, ए वी जी फंक्शन एम एस एक्सेल में नहीं होता। एम एस एक्सेल के कार्यों को कार्यों के साथ शुरू होना चाहिए, एम एस एक्सेल में फंक्शन खालिस्तान के साथ शुरू होने चाहिए, एम एस एक्सेल में फंक्शन जो है कार्य मतलब फंक्शन, तो किस चीज़ के साथ शुरू होने चाहिए, इक्वल के निशान के साथ शुरू होने चाहिए भाई, एम एस एक्सेल में जो फंक्शन है वो इक्वल के निशान से हमेशा शुरू होते हैं। एम एस एक्सेल का कौन सा फंक्शन चेक करता है कि कोई कंडीशन सही है या नहीं है, तो एम एस एक्सेल में कौन सा फंक्शन ऐसा जो चेक करता है कि कंडीशन सही है कि नहीं है, तो इफ कंडीशन, इफ जो है वो चेक करता है कि कंडीशन सही है या नहीं है। ये जो साइन है ग्रेटर देन का, ये एक ऑपरेटर का उदाहरण है, किस चीज़ का, कौन से ऑपरेटर का उदाहरण है, तो कंडीशनल ऑपरेटर, ये कंडीशन के लिए होता है, ये जो होता है कंडीशन के लिए होता है, और इसी का ऑपरेटर है ये वाला, इसी का ऑपरेटर है ये वाला, ठीक है ना, एट द रेट सॉरी ग्रेटर देन वाला निशान जो होता है, ठीक है। चलिए भाई, एम एस एक्सेल खालिस्तान की सुविधा, एम एस एक्सेल की खालिस्तान सुविधा जो होती है डेटा की एक श्रृंखला होती है को शीघ्रता से पूर्ण करती है, मतलब तो वो ऑटोफिल होती है मेरे भाई, कौन सी होती है, ऑटोफिल होती है, जो एकदम से करेक्ट फिल कर देती है। संपूर्ण के भाग यानी कि कंप्लीट एज अ होल की तुलना करने के लिए किस प्रकार का चार्ट उपयोगी है, एज अ होल की तुलना करने के लिए, एक होल यानी कि 100% की तुलना करने के लिए कौन सा चार्ट उपयोगी है मेरे भाई, पाई चार्ट होता है, कौन सा चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है। चार्ट बनाने के लिए आप किस चीज़ का उपयोग करते हैं, चार्ट विजार्ड का उपयोग करते हैं, किस चीज़ का उपयोग करते हैं, चार्ट विजार्ड का उपयोग करते हैं, शायद कल परसों भी ऑप्शन में उसमें आया था ये पेपर के अंदर, एम सी क्यू वाली क्लास के अंदर। एम एस एक्सेल में एक टेक्स्ट फंक्शन होता है, इनमें से कौन सा होता है, एक ही सेल में अलग अलग सेल के वैल्यूज को मिलाने के लिए उपयोगी होता है, तो एक ही सेल में मिला जाता है अलग अलग सेल की वैल्यू, तो कनकेटनेट होता है वो, कौन सा फंक्शन होता है, कनकेटनेट होता है मेरे भाई। सेल में किस प्रकार का डेटा एंटर किया जा सकता है, इसके बारे में एक नियम है, यानी कि सेल में कैसा डेटा एंटर होगा इसका एक नियम होता है, वो नियम को क्या कहते हैं हम, तो डेटा वैलिडेशन रूल कहते हैं उसे, डेटा सत्यापन नियम उसको हिंदी में कहते हैं, डेटा का सत्यापन नियम हम उसे कहते हैं भाई। न्यूल्स में से कौन एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम है, इनमें से स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है तो कौन सा, एम एस एक्सेल जो होता है, एक्सेस जो होता है ये तो डेटाबेस होता है, ये वर्ड प्रोसेसिंग होता है डॉक्यूमेंट वाला, एम एस एक्सेल होता है आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम भाई। एम एस एक्सेल में एक वर्कशीट खालिस्तान जिसे किस रूप में जाना जाता है, स्प्रेडशीट के रूप में, वर्कशीट को किस रूप में भी जाना जाता है, स्प्रेडशीट के रूप में भी जाना जाता है। A3 से A3:A6 ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है आपका A3 A4 A5 जो है हमने सेलेक्ट किया हुआ है, A3 से लेकर के A5 A6 तक हमने सेलेक्ट किया हुआ है ना। वेरी गुड इवनिंग भाई सभी को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मूल कार्य दो या दो से अधिक टेक्स्ट स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ना है, इनमें से कौन से फंक्शन को जोड़ना होता है, कनकेटनेट का जोड़ना होता है। कैल्क सी, सेल सी कह लीजिए, लोटस 1 2 3, क्वेट्रो प्रो, कोरल आदि किस चीज़ के उदाहरण है, स्प्रेडशीट के पैकेज के उदाहरण है भाई, किस चीज़ के उदाहरण उदाहरण है, स्प्रेडशीट के उदाहरण है।
डॉट XLSX ये किसकी एक्सटेंशन होती है? ये एक्सेल की एक्सटेंशन होती है। किसकी होती है मेरे भाई? ये एक्सेल की एक्सटेंशन होती है। पावर पॉइंट की डॉट PPTX होती है, वर्ड की डॉट DOCX होती है। वर्ड की क्या होती है? डॉट DOCX होती है भाई। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कैप फीचर कौन सा होता है? ड्रॉप कैप कौन सा होता है मेरे भाई? तो ड्रॉप कैप होता है एक बड़ा अक्षर होता है, स्टार्टिंग वाला, है ना, स्टार्टिंग वाला कैपिटल लेटर, प्रारंभिक पूंजी नहीं, पूंजी नहीं, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, ठीक है ना। बी इज राइट आंसर, बड़े छोड़े गए छोड़े, ड्रॉप्ड कैप होता है, पूंजी पत्र मतलब कैपिटल लेटर होता है, एक साथ पैराग्राफ के साथ शुरू होता है। वर्ड में पूर्व निर्धारित यानी कि प्री डिफाइंड ग्राफिक होता है, एक श्रृंखला शामिल होती है जिसे खालिस्तान कहा जाता है, इसे वर्ड डॉक्यूमेंट में डाला जाता है। तो प्री डिफाइंड ग्राफिक पहले से बने हुए ग्राफिक क्लिप आर्ट होते हैं। पहले से बने हुए ग्राफिक क्या होते हैं मेरे भाई? क्लिप आर्ट होते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में निम्न सूत्र का परिणाम क्या है? इस सूत्र का परिणाम क्या होता है? 10, 20, 30, 40। मैक्स मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा, 50 मैक्सिमम वैल्यू होगी। एम एस एक्सेल में डिफॉल्ट रूप से टेक्स्ट संरेखित होता है। टेक्स्ट जो होता है वो किस साइड होता है? संरेखित मतलब अलाइनमेंट। जो टेक्स्ट होता है यानी कि ये सेल है, इसमें अगर मैं ए लिखूं, ए तो यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा, या यहाँ लिखा जाएगा, या यहाँ, या यहाँ, या यहाँ लिखा जाएगा। अगर मैं ये नंबर लिखूँ इसमें तो कहाँ लिखा जाएगा? नंबर यहाँ पे, यहाँ पे, या यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, या यहाँ पे, कहाँ लिखा जाएगा? तो नंबर हमेशा इस साइड लिखा जाता है, राइट साइड, और टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट साइड लिखा जाता है। टेक्स्ट हमेशा कहाँ लिखा जाता है? लेफ्ट साइड लिखा जाता है मेरे भाई। ये क्या हुआ? हे प्रभु, हे हरी राम, ये क्या हुआ? अच्छा ये रहा, डी साइड है, बाएं, तो बाएं लिखा आता है मेरे भाई, हमेशा लेफ्ट साइड लिखा आता है। क्या कहाँ लिखा आता है? लेफ्ट साइड लिखा जाता है भाई। क्लियर है बात सभी को? एक एक्सेल आप खालिस्तान आप दबाकर पूरी पंक्ति का चयन कर सकते हैं। एक एक्सेल में खालिस्तान या आप खालिस्तान दबाकर यानी कि क्या चीज प्रेस करके आप एक पूरी पंक्ति को सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप क्या चीज़ दबाओगे? स्पेस 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 सॉरी शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाओगे भाई, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाओगे तो आप कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, और शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाओगे तो रो सेलेक्ट हो जाएगी, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाओगे तो पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी, पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में कुल संख्या कितनी होती है? 16384 होती है हमारी, 16384 सेल की संख्या, सेल की संख्या पूछ रहा है। अच्छा सेल में कुल संख्या पूछ रहा है, सेल में कुल संख्या, सेल में भाई कैरेक्टर कितने होते हैं? सेल में 255 कैरेक्टर आ सकते हैं मेरे भाई। सेल में कितने कैरेक्टर आ सकते हैं? 255 कैरेक्टर आ सकते हैं। गुड इवनिंग भाई। एमएस एक्सेल में संख्यात्मक मानों का डिफॉल्ट संरेखण क्या है? यानी कि ये अब वहां पर टेक्स्ट पूछ रहा था, ये पूछ रहा है, ये वाला संख्या पूछ रहा है, न्यूमेरिकल पूछ रहा है, तो राइट साइड होगा। राइट साइड को क्या बोलते हैं? दाएं बोलते हैं क्या? दाएं बोलते हैं भाई, ठीक है ना। एमएस एक्सेल में डोनट चार्ट, डोनट चार्ट निम्न के समान है, इनमें से डोनट चार्ट होता है किस चीज के समान होता है? डोनट चार्ट पाई चार्ट के समान होता है। जैसा डोनट चार्ट, जैसा पाई चार्ट होता है वैसा ही डोनट चार्ट दिखाई देता है भाई। जिंद वालों की राम 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 भाई सभी को। एमएस वर्ड 2010 में टेबल में कितने कॉलम डाले जा सकते हैं? टेबल में मैक्सिमम 63 कॉलम डाल सकते हो। कितने डाल सकते हो? 63 कॉलम। एक ईमेल में सभी सुविधाएं कौन से सॉफ्टवेयर की होती हैं? तो एमएस वर्ड की होती हैं भाई। कौन से सॉफ्टवेयर की होती हैं? एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड में किसी क्रिया को पूर्ववत करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? किसी क्रिया को अंडू करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड होती है भाई। क्या होती है? कंट्रोल प्लस जेड। शॉर्टकट वर्तमान प्रोग्राम में फाइल मेन्यू विकल्प तक पहुंचने में मदद करता है। कौन सा शॉर्टकट है जो प्रोग्राम में फाइल मेन्यू के विकल्प तक पहुंचने में मदद करता है? तो फाइल मेन्यू तक जाने के लिए अल्ट प्लस एफ। देखो ये चीज ध्यान रखना, पॉइंट टू बी नोटेड, ये चीज पॉइंट नोट करना, किसी भी मेन्यू पर जाने के लिए अल्ट शॉर्टकट की होती है। मेन्यू पर जाने के लिए अल्ट से शुरू होती है शॉर्टकट की, ध्यान रखना इस बात का। किसी मेन्यू पर जाने के लिए शॉर्टकट की कहाँ से शुरू होती है? अल्ट से शुरू होती है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। एम एस वर्ड में फंक्शन फ्रैक्शन कहाँ मिलते हैं? एम एस वर्ड में फ्रैक्शन कहाँ मिलते हैं मेरे भाई? इक्वेशन टूल के अंदर फ्रैक्शन मिलते हैं, ठीक है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट, पहली इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट कौन सी थी? विजी कैल्क थी भाई। कौन सी थी? विजी कैल्क। पावर पॉइंट मूल रूप से किस कंपनी ने बनाया था? पावर पॉइंट किस कंपनी ने बनाया था भाई? एप्पल के मैकिंटोश के लिए बनाया गया था। किस कंपनी के लिए बनाया गया था? एप्पल के मैकिंटोश के लिए पावर पॉइंट बनाया गया था, पावर पॉइंट जो हम पढ़ते हैं। यदि आप पावर पॉइंट स्लाइड के दौरान एस्केप दबाते हैं तो क्या होगा? एस्केप दबा देते हैं तो पावर पॉइंट स्लो का शो का स्लाइड शो का अंत हो जाएगा। स्लाइड शो के अंत करने के लिए दो की और दबाते हैं, वो कौन सी है? कौन बताएगा आप में से? प्रणाम भाई बताओ जल्दी। दो की और होती है पावर पॉइंट में स्लाइड शो को एंड करने के लिए। तो दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, बताओ कौन कौन बताएगा आप में से? बताओ प्लस माइनस दोनों दोनों लाइव सेशन देख रहे हैं, प्लस माइनस हम दोनों लाइव सेशन देख रहे हैं।
भाई क्या क्या मतलब है? स्लाइड शो एंड करने के लिए क्या आप कौन सा बटन दबाना पड़ेगा? बटन पूछा मैंने, एक माइनस होता है एक पॉज बटन होता है। माइनस भी एंड कर देता है, पॉज बटन भी एंड कर देता है, ध्यान रखना इस बात का। पावर पॉइंट हेल्प खोजने का शॉर्टकट क्या है भाई? पावर पॉइंट की हेल्प खोलने के लिए F1 होता है, हेल्प कहीं भी खोलनी है F1 होता है, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 होता है, कहीं भी स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टिप्पणियों के बारे में तुमसे कौन सा कथन गलत है, यानी कि कमेंट के बारे में कौन सा कथन गलत होता है? तो ये कह रहा है कि ये स्लाइड शो के दौरान प्रदर्शित नहीं होते। ये बात तो सही है, स्लाइड शो के दौरान प्रदर्शित नहीं होते वो। आप पिछली या अगली टिप्पणी पर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, पिछले कमेंट पर जा सकते हैं, अगले कमेंट पर जा सकते हैं। एक बार जब आप कोई टिप्पणी दर्ज कर लेते हैं तो आप उसे हटा नहीं सकते, ये बात गलत है। हटा क्यों नहीं सकते? हटा सकते हैं, एक बार कोई कमेंट कर दिया तो उसे हटा नहीं सकते क्या? हटा सकते हैं भाई, ठीक है ना। सर बुक के लिए फोन किया था आपने तो नंबर को बोला था, कितने रुपीज की है बुक SSC? समझ नहीं आई बात। SSC वाली बुक? वेरी गुड इवनिंग भाई दिव्यानी, और शाहानू है या क्या नाम है, गुड इवनिंग। बुक के लिए फ़ोन किया था आपने तो नंबर को बोला था, कितने रुपीज़ की है बुक SSC? राहुल भारती जी, एक बार आप थोड़ा सा क्लियर करें क्या है ना। प्लीज़ सर का नंबर दे दो कोई, प्लीज़ सर का नंबर। मेरा नंबर तो मैं वैसे ही दे देता हूँ, 7404076268 भाई। हाँ SSC वाली जो बुक है, SSC वाली के लिए आपने क्या पूछना था फिर, ये तो बताओ। SSC वाली अवेलेबल है तो है। अच्छा वो वापस चली गई थी वो वाला, आप कह रहे हो जो उड़ीसा से बोल रहे हो आप उड़ीसा से हो जो आपने कॉल किए थे और वो बुक वापस चली गई थी, वही बात कह रहे हो ना आप? तो मैंने आपको बोला तो था एक बार मेरे भाई, आप मुझे व्हाट्सअप कर दें उसी नंबर पर, 7404076268 पर। ये नंबर जो दे रखा है 7404076281, इस नंबर पे आप मेरे को मैसेज छोड़ें एक बार, मुझे रिमाइंड तो रहेगा, याद तो रहेगा उस चीज़ को, वो उठा करके मैसेज मैं यूं की यूं पब्लिशर के पास एक बार, जिन्होंने आपके पास वो बुक डिलीवर की थी उनके पास वो भेज दूंगा मैं, उनके पास भेज दूंगा मैं, ठीक है ना। बाएं और दाएं यानी कि लेफ्ट और राइट जो है मार्जिन टेक्स्ट में अनुच्छेद पैराग्राफ की दूरी निर्धारित करता है, तो वो कौन करता है मेरे भाई? इंडेंटेशन करता है। कौन? इंडेंटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अमान्य डेटा को सेल में प्रवेश करने से रोकेगा? वैलिडेशन, सेल वैलिडेशन। अमान्य प्रवेश यानी कि अमान्य वैल्यू, कोई भी अमान्य वैल्यू नहीं लेगा। MS वर्ड में पैराग्राफ ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर, सॉरी पैराग्राफ के लिए एंटर होती है अकेली, पैराग्राफ के लिए क्या होती है मेरे भाई? एंटर होती है, ठीक है ना। देखो मेरे भाई अब आ जाओ यहाँ पर, चैप्टर नंबर 14 शुरू कर लेते हैं। करें शुरू आज ही? बताओ एक बार, चैप्टर नंबर 14 शुरू करें आज ही? बताओ भाई, कमेंट करो एक बार। चलो आज ही करवा दो, कल शादी में जाना है। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, और लड़कियों का जब शादी में जाना हो ना तो 2 दिन 3 दिन पहले तैयार होना पड़ता है ना। जी, चलिए 14वां चैप्टर अपने बुक का शुरू कर देते हैं यहाँ से। शुरू मतलब मेरे अनुसार जो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है किसी को पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, तो वहाँ से मतलब यहाँ तक बेसिक हमने पढ़ लिया है, अब एडवांस वाला पोर्शन शुरू होता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक मानसिकता बनाने के लिए ताकि आपको समझ आ जाए, चीज़ें समझ आ जाए, एक स्टेप बनाए हुए हैं मैंने, 2-3 स्टेप बनाए हुए हैं, उनको हम यहाँ से शुरू करते हैं। दूसरा पोर्शन जो है वो वाला, जिसको मैं एडवांस कहता हूँ, या आप भी एडवांस नाम दे सकते हैं इसको, बेसिक भी नाम दे सकते हैं, बहुत सारे अध्यापक इसको बेसिक में ही पढ़ाते हैं। मैं इसको एक अलग मेंटलिटी से, अलग ही नज़रिए से पढ़ाता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में या फिर ठीक से लेवल के पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन UP SSSC का भी ये क्वेश्चन बनेगा, RRB का भी क्वेश्चन बनेगा, UP पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, UP पुलिस SI SI के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए मेरे भाई,
तो एडिशन यानी कि बाइनरी अंकगणित और पूरक के साथ बाइनरी प्रतिनिधित्व यानी कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। बाइनरी अंकगणित का मतलब होता है यहाँ कि बाइनरी को जोड़ना घटाना सीखेंगे हम, बाइनरी को जोड़ घटा गुना भाग सीखेंगे। तो जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो आएगा हमेशा, जीरो में वन जोड़ेंगे तो वन आएगा हमेशा, वन में जीरो जोड़ेंगे तो वन आएगा, वन में जीरो जोड़ेंगे, वन में वन जोड़ेंगे तो हमेशा जीरो आएगी। कैसे भाई, वन में वन जोड़ोगे तो हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। एक हासिल का चला जाता है, वन वन जीरो, यानी कि क्योंकि एक और एक कितना होता है, दो होता है ना, एक और एक कितना होता है, दो होता है। और दो को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो ये वाली जीरो तो यहाँ आ गई और ये वाला वन कहाँ चला गया, अगले कॉलम में चला गया। तो इसका राइट आंसर ये वाला आएगा, यानी कि जीरो एक, जीरो एक को जोड़ेंगे तो आंसर आ गया वन जीरो। क्या आंसर आया, वन जीरो आंसर आया भाई, ठीक है ना। हाँ भाई, हरियाणा पुलिस के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। सर कंप्यूटर पढ़ने के लिए तो सर मैंने देखना छोड़ दिया, अच्छा IPL देखना छोड़ दिया, अच्छा जी 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 देखो ज़रूरी है भाई, अगर आप कंप्यूटर पे कमांड बनाना चाहते हो ना तो आपको त्याग तो देखो करना ही पड़ेगा। देखो आपको कोई चीज़, किसी भी चीज़ पर अच्छे से कोई तैयारी करना चाहते हो तो त्याग तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपको, अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। देखो इसके अंदर क्या होता है कि आपको बाइनरी की समझ होनी चाहिए, जो वो बाइनरी की टेबल मैंने कराई थी उस चैप्टर के अंदर जब कोड कन्वर्जन करवाया था, वो समझ आपको होनी चाहिए। इसलिए मैंने, मैं जब चलता हूँ तो फिर यहाँ पर वो समझ में आना मुश्किल हो जाता, नहीं तो फिर, है ना जी। हाँ मुदित वर्मा कह रहे हैं, देखो यही तो, इसीलिए मैं इसको नाम एडवांस दिया है ताकि आप बेसिक अच्छे से कवर करके आए और फिर यहाँ कोई दिक्कत आपको ना आए, है ना। तो देखो मान लीजिए कि जीरो में जीरो जोड़ोगे तो जीरो आंसर आएगा, जीरो में वन जोड़ोगे तो वन आंसर आएगा, वन में जीरो जोड़ोगे तो भी वन आंसर आएगा, वन में वन जोड़ोगे तो आंसर टेन आएगा। आंसर कितना आएगा, टेन, क्योंकि वन एक और एक कितने होते हैं, दो होते हैं। और दो को बाइनरी में क्या लिखते हो आप, वन जीरो लिखते हो, दो को बाइनरी में क्या लिखते हो, वन जीरो लिखते हो। जीरो को क्या लिखते हो, जीरो जीरो, वन को क्या लिखते हो, जीरो वन, टू को क्या लिखते हो, जीरो वन जीरो, थ्री को क्या लिखते हो, वन वन, फोर को क्या लिखते हो, वन जीरो जीरो, फाइव को क्या लिखते हो, वन जीरो वन, सिक्स को क्या लिखते हो, वन वन जीरो, सेवन को क्या लिखते हो, वन वन वन, है ना। नहीं चंडीगढ़ PRT के लिए रानी जी ये काम नहीं आएगी, चंडीगढ़ PRT के लिए इसका कोई यूज़ नहीं है, वैसे कह दूँ मैं आपको, देखते रहो व्यू के चक्कर में, है ना। ना ना अपना कोई मामला नहीं है ऐसा ऐसा, है ना, कोई जरूरत नहीं है। इसमें जीरो जीरो नहीं आना था क्या सर, मुझे लगता है कि मैं देखो ये करवाऊँगा मैं आपको, लेकिन आप एक बार जैसे कल अगर हम इसकी क्लास कर लें तो, क्योंकि आप इसे एक बार पढ़ कर गए आए, ठीक है ना, त्याग ही करते आए हैं आज तक, कोई बात नहीं, जरूर राम सुनेगा आपकी। है क्या लेंगा, क्या लूंगा, क्या बना रखे हैं, जो भी बना रखे वही ले लूंगा, रोटी को छोड़ के। अच्छा चाय दूध, अगर सब्जी है तो मैं सब्जी और दूध लूंगा, और नहीं तो फिर चाय, ठीक है ना। क्लियर है बात यहाँ तक, ओके रिपोर्ट है क्लियर। देखो मेरे भाई, क्योंकि बाइनरी की समझ होना आपके लिए बड़ा जरूरी है यहाँ पर, बाइनरी की समझ होना। अब जोड़ जोड़ना सीख गए होंगे अब मेरे ख्याल से। अब देखो एक 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 बार जोड़ लेते हैं, एक बार जोड़ लेते हैं भाई, है ना सर। BSSC के लिए बिहार से हूँ सर, जी जी आप सभी के लिए ये जो चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि 100 चार, ये चार हो गया, कितना हो गया, ये चार हो गया, इसमें एक जोड़ना है, इसमें क्या जोड़ना है, एक जोड़ना है। तो क्या आंसर आना चाहिए, पांच आंसर आना चाहिए। पांच को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 101 लिखते हैं। तो इसका आंसर 01 जोड़ा 1, 0 में 0 जोड़ी 1, 0 और 1 में 0 जोड़ी 1, तो आंसर तो आ गया, है ना। क्लियर है बात सभी को, ओके रिपोर्ट। अब देखो, अब देखो मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि आप इसमें 1011 में 001 जोड़ो, 011 में 001 जोड़ो। 011 क्या है, 011 को 3 लिखते हैं डेसिमल में और इसको 1 लिखते हैं, यानी कि 4 आंसर आना चाहिए। कितना आंसर आना चाहिए, 4 आंसर आना चाहिए, ठीक है ना सर। सब्जी के साथ दूध विरुद्ध आहार है, अच्छा आहार है, लोग भी मुझे बिल्कुल ना रामदेव बना के छोड़ोगे आगे पीछे लेंगे, मतलब कहने का मतलब है आप पहले सब्जी खा लेंगे बाद में देख लेंगे उसको। तो 1 और 1 कितना होता है, 1 और 1 की 0, ऊपर गया 1, हमेशा ध्यान रखना 1 और 1 की होगी 0, ऊपर जाएगा 1, फिर से 1 और 1 इसकी आ जाएगी 0, फिर ऊपर 1 और यहाँ 1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आंसर, 4 आएगा। बताओ ये वाला समझ आएगा नहीं आएगा, ये वाला समझ आएगा नहीं आएगा,
ये वाला मामला समझ आ गया कि नहीं? ये आ गया तो आ गया, बस ये वाला मामला आ गया तो आ गया, बताओ। बताओ एक बार, आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। सर लाइव क्लास में ऐड आ गई। अरे आन दो को तो ठन्नी बन दे मेरे रो। अरे ऐड मैंने ऑटोमेटिक लगा रखी है, माफी चाहता हूँ अपनी हरियाणवी के लिए। ऑटो कर रखी है मैंने, उसके अंदर अपने आप लग जाती है वो, यार बंद करनी पड़ेगी वो। चलो कोई ना, उसको बाद में बंद करेंगे अपन, है ना। देखो क्लियर है बात सभी को। बाहर वाले तो ये कहते होंगे, ये जो बिहार से जुड़े हैं, जो उड़ीसा से जुड़े हैं, ये कहते हैं बड़े मास्टर जी बड़े मजे ले रहे हैं, है ना। देखो मेरे भाई, अब आप जोड़ करके दिखाओ, अब आप जोड़ करके दिखाओ। वन 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 में वन 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 जोड़ना है। करो जोड़, करो जोड़, करो एक बार जोड़ करो एक बार, आप सीख जाओगे यहाँ पर। हालांकि जोड़ का क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, कभी थोड़ा सा एडवांस लेवल का आ जाए, जैसे बिहार के अंदर आता है, जैसे उड़ीसा के अंदर आता है, जैसे कि यूपी के अंदर आता है, ये जोड़ वाला क्वेश्चन। हालांकि इस जोड़ से आप चीज़ें बहुत सारी सीख जाते हो, ये थोड़ा सा बेसिक सा है, इससे आगे और बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, है ना। ये अच्छा समझी नहीं है, चलो कोई नहीं, ठीक है ठीक है। ना ये तो होता ही है, एक ही काफी थी। इसका आंसर आया, देखो वैसे तो वैसे भी आंसर ले सकते हो आप, इसका सात, इसका सात, सात और सात कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो 14 को कैसे लिखा था, 8 और 4 12 और 2 14, ऐसे लिखा था 14 को बाइनरी में, मतलब मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप इसको उस तरीके से लिख सकते हैं। जानबूझ के दिखा रहे हैं कि हम ऐसे दे रहे हैं इनको, और इसका इसका जब टोटल करोगे तो भी ऐसे ही आंसर आ जाएगा। 1 और 1 0, ऊपर गया 1, 1 और 1 0, 0 और 1 1, ऊपर गया 1 1, 1 और 1 फिर से 0, और 0 और 1 1, और फिर से एक ऊपर बन गया तो वो वाला 1। राइट आंसर 1111 0, ठीक है ना, 1111 0। भाई आयुर्वेद के अनुसार चल रहा हूँ वैसे तो मैं। सुबह खाओ राजा की तरह, सुबह क्या खाओ, सुबह खाओ राजा की तरह, मतलब जम के खाओ सुबह जम के, दोपहर को खाओ रानी की तरह, नखरे कर करके, इसमें नमक नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, और रात को खाओ भिखारी की तरह, मतलब जितना कम से कम हो सकता है वो वाला, है ना। समझ आ गया होगा सभी को ये वाला, नहीं अभी आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, फिर से आ जाएगा समझ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल है, ओ सॉरी एग्जाम्पल तो है ही नहीं इसके अंदर, एग्जाम्पल नहीं दिए क्या, चलो कोई बात नहीं, सबट्रैक्ट आगे आ जाएंगे मेरे ख्याल से। एग्जाम्पल, 0 में से 0 घटाओगे, घटाने में आ जाओ, 0 में से 0 घटाओगे 0, 0 में से 1 घटाओगे 1, 1 में से 0 घटाओगे ये भी 1, और 1 में से 1 घटाओगे तो 0, 0 में से 1 घटाओगे तो एक उधार लिया जाता है, एक क्या लिया जाता है मेरे भाई, उधार लिया जाता है, एक उधार लेते हैं हम, ठीक है ना, क्लियर, एक उधार ले लेते हैं हम। तो देखो मेरे भाई, जैसे 1 1 0 में से 0 1 0 घटाना हो तो कैसे घटाएंगे, ये इस डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, ये 4 और 2 6 है, ये कितना है 4 और 2 6 है, और ये कितना है 2 है, 6 में से 2 गया 4, और 4 को बाइनरी में कैसे लिखा जाता है, 1 0 0 लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, अरे हो जाओ 1 0 0 लिखा जाता है 4 को, 4 को कैसे लिखा जाता है, 1 0 0 लिखा जाता है भाई, ठीक है ना। अरे नहीं PGDCA वालों, क्यों CCC में उलझ रहे हो, तो बस डायरेक्ट मतलब ये देख लिया करो, इसको कन्वर्टन कन्वर्जन करके भी डायरेक्ट उत्तर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर तो सेम ही रहेगा, कन्वर्जन करके भी डायरेक्ट आप इसमें लिख सकते हो, बस आपको कन्वर्जन आना चाहिए, ये शर्त है, कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ये शर्त है, ठीक है ना। उधार लेते, उधार लेने का मतलब मामला, उधार लेने में इतना गड़बड़ है, जैसे मान लीजिए कि आपको 0 1 0 1 में से 1 0 1 में से और 0 1 0 घटाना है, अब यहाँ तो उधार लेते, फिर वो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, आप इसको डायरेक्ट कन्वर्जन करो, इसको 5 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, 5 में से 2 गया 3, और 3 को ऐसे लिखा आता, उत्तर आ गया सही, लेते रहो उधार, कोई फायदा नहीं है, है ना। डायरेक्ट आंसर निकालो आप, इसको कन्वर्जन करके डायरेक्ट आंसर निकालोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा।
ना, आराम से आ जाएगा ये क्वेश्चन। अब तो आ गया ना समझ में। एक बार बताओ, मतलब कन्वर्जन करके डायरेक्ट आसानी से आप निकाल सकते हो। एक बार वो कन्वर्जन रिवीजन करना पड़ेगा, थोड़ा बाइनरी टेबल आपको देखनी पड़ेगी एक बार, है ना। आपको किस तरीके से कन्फ्यूज किया जाएगा, आपको क्वेश्चन में किस तरीके से कन्फ्यूज किया जाएगा, आपको ऐसे कन्फ्यूज किया जाएगा। देखो, आपको जब क्वेश्चन दिया जाता है तो इस तरीके से दिया जाता है, 1101 प्लस 10110, टोटल बताओ इसका। ईजी है तो हाँ, बिल्कुल ईजी है। मतलब थोड़ा सा हमने ये देखना था कि इसको किस वे में हम लिख सकते हैं, है ना। तो ये वाला मामला गुना में बिल्कुल ही आसान है। 1 1 की गुना करोगे 1 आएगा, बाकी सभी 0 आएगा। 0 के साथ गुना करोगे तो सभी को 0 कर देगी, है ना। डिवीजन में इसका कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि डिवीजन जो है 0 1 से भाग नहीं होगी, और 1 जो है 0 से भाग नहीं होगा। 1 से 1 भाग करोगे तो 1 आएगा आंसर। डिवीजन बिल्कुल आसान है, डिवीजन का क्वेश्चन नहीं आता, कभी भी नहीं आता डिवीजन का क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आता है, एडिशन का क्वेश्चन आ जाता है, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाता है, बट डिवीजन का क्वेश्चन नहीं आता। फिर भी आ भी जाए तो आसान है, वैसे ही कर देना। जोड़ का एग्जांपल है, 110 में 0 1 1 0 0 1 जोड़ना है, जोड़ना, जोड़ो, चलो जोड़ो, आ जाओ, आंसर बताओ क्या आया। ये तो वैसे बुक में ही दिया है, 111 आंसर आ गया। ये कितना था, 6 था, ये कितना था, 1 1, 6 में 1 जोड़ेंगे, 7, 7 को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 7 को, 111 आंसर आ गया, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर टू, ये कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ, 5, तो 6 और 5 को जोड़ोगे कितना आंसर आएगा, 11, 11 को कैसे लिखते हैं, 8 और 2 10 और 11, ये आंसर आ गया। डायरेक्ट कन्वर्जन से, किसी से डायरेक्ट कन्वर्जन से निकाल दिया मेरे भाई, बात समझ में आई, डायरेक्ट कन्वर्जन से ही निकाल दिया। अब आप इस तरीके से कर सकते हो भाई। इसमें लिखा हुआ वैसे कि जब भी दो आएंगे, दो एक आएंगे तभी रिजल्ट 0 आकर के 1 कैरी चला जाएगा, यानी कि जब भी 2 1 आएंगे तो 0 आकर के रिजल्ट क्या चला जाएगा, कैरी चला जाएगा, जब भी जहां भी 2 1 आएंगे वहां पे, ठीक है ना, 2 1 जहां पर भी आएंगे। घटा का उदाहरण है ये कितना लिखा हुआ, 6 लिखा हुआ, ये कितना लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ, 6 में से 4 गया, 2 2 कैसे लिखते हैं, 0 1 0 लिखते हैं, आंसर आ गया। राम राम जी टोहन से, राम राम भाई। समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ये बताओ एक बार, थोड़ा सा मतलब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करो आप लोग सभी। ये दूसरा उदाहरण है, ये 6 में से 1 घटाना है, 6 में से 1 घटाना कितना होता है, 5 होता है, तो 5 को ऐसे लिखा जाता है 101। मतलब ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अब मैं जो समझा रहा हूँ अगर आपको समझ में आ गया तो ये वाला मामला पढ़ने की भी जरूरत है आपको नहीं पड़ेगी, है ना। एक बार बताओ सभी, बताओ कमेंट करके, ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी नीचे वाला, अगर आपको समझ आ रहा होगा तो। हाँ जी सर, यस सर जी, सर पिछली पहली क्लास में जैसे ऐसी फीलिंग आ रही है सर, यस सर पहली क्लास में। अच्छा चलो, गुना का उदाहरण देखो, गुना क्या है, गुना मतलब 5 है, 5 की किससे साथ 2 की गुना, 5 दुनिया कितना होता है, 10 होता है, 10 को कैसे लिखते हैं, 1010 आंसर आ गया। 10 को लिखते कैसे हैं, 1010, 10 को कैसे लिखते हैं, 1010, बस बात खत्म। चलिए भाग का उदाहरण, किसी भी तरीके से भाग का उदाहरण ले लो, मतलब भाग कर लो, 110 को भाग कर लेना 10 से, ये कितना, 6, 6 को 2 से भाग करोगे कितना आंसर आना चाहिए, 4 आंसर आना चाहिए, 4 कितना होता है, 0100 होता है, 4 आंसर आ गया, बात खत्म। कन्वर्जन आपको आता है तो हो जाएगा भाई, ठीक है ना। सर कोई और वीडियो है क्या इसकी जो अच्छे से समझ आ जाए, एक पूरी वीडियो है कंप्लीट कोड कन्वर्जन की अपने ही चैनल पर, पूरा कोड कन्वर्जन 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट करवा रखा, अच्छे से पढ़ा रखा, टेबल वगैरह बना करके, वो वीडियो देख लेना, पूरा कोड कन्वर्जन के नाम से हिंदी में लिखा हुआ है वीडियो, ठीक है ना, पूरा कोड कन्वर्जन हिंदी में लिखा हुआ है, वो देख लेना एक बार वीडियो, अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर आता बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन का मतलब है, अब हम जो ये लिख रहे थे 10101 ये लिख रहे थे, इसको क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं, तो ये 5 कैसा है, ये 5 जोड़ का है, घटा का, गुना का, भाग का, ये तो नहीं पता चला, नहीं पता चला ना, है ना। अच्छा 3 आना चाहिए था, कोई बात नहीं, 3 आ जाएगा, 2 चौके 6 कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, 5000 क्वेश्चन है उसमें सारा ही कंप्यूटर है जी, जबरदस्त क्लासेस है, बिल्कुल 5000 क्वेश्चन वाली जो सीरीज है ना वो गजब है, कोई बात नहीं, वो गलती से हो गया होगा डिवीजन, कोई बात नहीं, आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
टू इट इज अ ह्यूमन, है ना। देखो ये पांच जो है घटा का है, गुना का, भाग का, जोड़ का, किस चीज का है, मतलब प्लस का है माइनस का है, ये पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, इसके लिए भी हमें जोड़ घटा और लिखना पड़ेगा। जोड़ घटा लिख नहीं सकते कंप्यूटर में, जीरो और वन ही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जीरो और वन ही लिख सकते हैं। तो जीरो और वन का उपयोग करके दर्शाया जा सकता है, लेकिन धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सूचित करने के लिए प्लस और माइनस का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए जीरो वन होना चाहिए। बाइनरी नंबर को दर्शाने के लिए तीन तरीके हैं। अब इसके तीन तरीके होंगे, इस नंबर को जोड़ का, घटा का, या गुण, मतलब जोड़ का है या घटा का है, इसके लिए तीन तरीके होंगे मेरे भाई। कौन से तरीके होंगे? पहला तरीका साइन एंड मैग्नीट्यूड मेथड। साइन एंड मैग्नीट्यूड मेथड यानी कि संकेत और परिणाम विधि। इस विधि में पहली बिट को साइन बिट माना जाता है। इस विधि में पहली बिट को क्या माना जाता है? साइन बिट। और पहली बिट अगर जीरो है तो वो सकारात्मक है, पहली बिट वन है तो नकारात्मक है, पहली बिट वन है तो नकारात्मक है। यानी कि 25 को ऐसे लिखा जाता है, 8 बिट में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट में 25 को ऐसे लिखा जाता है। लेकिन अगर ये माइनस का 25 दर्शाना हो, ये देखो ये वाली बिट जो है ये साइन बिट मान ली, ये वाली बिट जो है क्या मान ली? साइन बिट। ये निशान है जीरो, पहली बिट जीरो है तो इसका मतलब ये जो है आपका पॉजिटिव है, और ये पहली बिट अगर वन है तो ये सारी की सारी आपका क्या है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है, ठीक है ना। फर्स्ट बिट से पता चल जाएगा भाई, किससे? फर्स्ट बिट से। फिर है वन कॉम्प्लीमेंट मेथड, कह रहे कि एक तरीका और है। यहां फर्स्ट बिट से क्यों मामला गड़बड़ हो गया, फर्स्ट बिट से क्यों नहीं आगे चले? इसलिए नहीं चले क्योंकि आपको ही पता है कि दो बिट से कितने नंबर दर्शाए जा सकते हैं? 4 नंबर दर्शाए जा सकते हैं। 3 बिट से कितने नंबर दर्शाए जा सकते हैं? 8। 4 बिट से कितने नंबर दर्शाए जा सकते हैं? 16। तो कह रहा है कि मान लीजिए हमने 8 बिट ली थी, ये बिट तो खराब कर दी हमने साइन को दर्शाने के लिए। ये जो पहली बिट है ये तो हमने साइन को दर्शाने के लिए खराब कर दी, अगर इसको हम नंबर को दर्शाने के लिए प्रयोग कर लें तो अच्छी बात होगी। तो कह रहा फिर और तरीका ढूंढो माइनस में दर्शाने का, तो और तरीका लेकर आए माइनस में दर्शाने का। कह रहा है कि एक काम करो, जो नंबर होता है उसका उल्टा कर दो, समझ लेंगे कि माइनस में है, कंप्यूटर समझ लेगा कि ये माइनस में है। तो इस पद्धति में सकारात्मक संख्या को बाइनरी संख्या के समान दर्शाएगा, यदि संख्या नकारात्मक है तो उसमें बाइनरी संख्या के पूरक यानी कि उल्टा खोजने की आवश्यकता। इस बाइनरी नंबर का पूरक प्रत्येक जीरो को कर देंगे वन, वन को कर देंगे जीरो, विपरीत में बदल देंगे। बाइनरी नंबर है 1010111101, इसका पूरक बनाना है तो उल्टा हो जाएगा, जहाँ जीरो है वहाँ वन कर देंगे, जहाँ वन है वहाँ जीरो कर देंगे, 0100010010, जहाँ वन है वहाँ जीरो हो जाएगा, जहाँ जीरो है वहाँ वन हो जाएगा। ये क्वेश्चन जरूर पूछा आता है, ये पॉइंट टू बी नोटेड, ये क्वेश्चन जरूर पूछा आता है कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, वंस कॉम्प्लीमेंट बताओ। यूपी ट्रिपल एस सी में, यूपी पीसीएल में, बिहार के अंदर, उड़ीसा के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, हरियाणा में अभी तक ऐसा क्वेश्चन एक दो बार ही पूछा गया तो बात अलग है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन यहाँ जो मैंने आपको बताई है इन स्टेट्स में जरूर पूछा जाता है, ये अपना ध्यान दें, ठीक है ना। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट जो होता है बिल्कुल उल्टा, यानी कि जीरो है तो वन कर देंगे, वन है तो जीरो कर देंगे, बस सीधी सी बात है, ठीक है। फिर इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट दिखा रखा है भाई, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट जो होगा क्या होगा? दिए गए बाइनरी नंबर के प्रत्येक बिट को उल्टा करें, दिए गए नंबर को वन का, वो जो नंबर था उसका कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट ये वाला है। बाइनरी नंबर अगर ये है तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ये है, ये है तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ये है, ये है तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ये है, इस तरीके से सो ऑन चलता रहेगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे चलता रहेगा भाई, तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर आता है टूज कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या आता है? टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट पर थोड़ा सा ध्यान दे दो, वैसे ही समझा देता हूँ मैं आपको, फिर पढ़ लेना, फिर और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, वैसे समझा देता हूँ, ध्यान देना थोड़ा। टूज कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन भी ज़्यादातर पूछा आता है, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट तो बहुत ज़्यादा आसान है, टूज कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछा आता है। तो कोई भी संख्या दे रखी हो, जैसे मान लीजिए ये संख्या दे रखी है, इसका हमने क्या निकालना? टूज कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना इसका हमने? टूज कॉम्प्लीमेंट। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, बस सीधी सी ट्रिक ध्यान में रखना, ऊपर से इस साइड चलो, जहां भी पहला वन आए उसको यूं का यूं लिख दो, उसके बाद जितनी भी संख्याएं हों उनको उल्टा कर दो, वन है तो जीरो कर दो, जीरो जीरो है तो वन कर दो, वन है तो जीरो कर दो, जीरो है तो वन कर दो, वन है तो जीरो कर दो, बस कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये क्या आ गया? टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया, ध्यान देना मैंने क्या कहा है। तो अब निकाल के दिखाओ, इसका निकाल के दिखाओ, 011 का, 011 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, 011 का टूज कॉम्प्लीमेंट बताओ कितना आएगा, बुक में मत देखना, अपने आप बताओ कितना आएगा। एग्जैक्ट
जीरो वन वन का 101, 011 का क्या आया, 101 आया, इसका मतलब आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से यहाँ चलेंगे, जहाँ भी पहला वन आ जाएगा उसको वन करके बाकी को पलट देंगे, बाकी को क्या कर देंगे, पलट देंगे, ठीक है ना। अब एक एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, अब इसका बताओ आंसर, इसका आंसर बताओ, 100 100, इसको टूज कॉम्प्लीमेंट में बताओ क्या आंसर आएगा, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो क्या आंसर आना चाहिए, 100 100 टूज कॉम्प्लीमेंट। निकालो अच्छा, हरियाणा वाले कितने, हरियाणा वालों को बता देता हूँ, ये 2018 में जो एसआई का पेपर हुआ था उसमें ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा पुलिस एसआई का जो क्वेश्चन हुआ था उसमें एक टूज कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 0 0 1 1 1 0, ध्यान देना, राइट आंसर क्या आया, 0 111 00, 0 111 00 राइट आंसर है। जिसका भी सही है सही करो, जिसका गलत है वो सही करो, जिसका सही है वो तो सही है ओके है, जिसका गलत है वो ठीक करो। 0 111 00 क्यों आया, क्यों आया, क्योंकि हमने क्या किया मेरे भाई, यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ चले, जहाँ भी पहला वन आ गया, जहाँ भी पहला वन आया वहां तक तो संख्या यूं का यूं लिखेंगे, वहां तक तो संख्या यूं का यूं लिखेंगे, उसके बाद चेंज करेंगे, उसके बाद वाली चेंज करेंगे, यहां तक तो संख्या मैंने यूं का यूं लिखी, बाकी बाद में चेंज कर देंगे। रविंदर पनी जी HR 23 से, अच्छा स्वागत है भाई सभी का, समझ में आ गया बात सभी को, अरे अब आ गया होगा, ठीक है ना। एक और देखो, एक एग्जाम्पल और ले लो, बस क्लियर हो जाएगा, एक एग्जाम्पल और ले लो, 100 100 10 0, बस इसी का कर दो, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, बस बात ही खत्म हो जाएगी, टूज कॉम्प्लीमेंट लिखा, फिर इसको कहानी को पढ़ लेना, ये जो कहानी लिख रखी है ना इतनी सारी, अब आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, इसीलिए टीचर की आवश्यकता होती है इस प्रकार के टिपिकल से मतलब चीजों में, मतलब होता कुछ भी नहीं, ये तो राम कहानी इसलिए लिखनी पड़ी ताकि आपको समझाया जाए, ये बता रखिए कि नकारात्मक है तो ये करना है, सकारात्मक तो ये करना है, इसका उल्टा लेना, फिर एक जोड़ना है, ये करना वो करना, ये तो किताब में लिखना होता है ताकि बिना टीचर के भी आप थोड़ा इसमें आइडिया लगा सकें कैसे क्या है। लेकिन अब टीचर से देखो कितना आसान हो गया, इसको कहानी को पढ़ने की क्या जरूरत पड़ेगी, हालांकि पढ़ोगे तो और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आया, यहाँ से यहाँ चले, 0 1 1 0 1 1 0, 0 111 00, 0 111 00 राइट आंसर हो गया, बात ही खत्म होगी, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ो, इसके बाद बुलियन अलजेब्रा आता है, बुलियन अलजेब्रा आता है, जॉर्ज बुल का बुलियन अलजेब्रा, बुलियन बीजगणित यानी अलजेब्रा जॉर्ज बुल के द्वारा 1854 में प्रेजेंट किया गया था। अंग्रेजी गणितज्ञ थे, इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, मुख्य रूप से डिफरेंशियल इक्वेशन पर इन्होंने काम किया था। बीजगणित में तीन मौलिक ऑपरेटर, ऑपरेटर आएंगे, ये भी हरियाणा पुलिस एसआई के पेपर में क्वेश्चन था, अब यहाँ से थोड़ा सा कमांड बनाना शुरू करना, जो चीज़ ना समझ में पूछ लेना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से कमांड बनेगी तो आगे जाकर के दो क्वेश्चन आएंगे जो हरियाणा पुलिस के अंदर आए थे वो कवर हो जाएंगे आपके। तो तीन मौलिक ऑपरेटर यानी कि तीन जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटर यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं। एक एंड ऑपरेटर है जिसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट डॉट लगाते हैं तो इसका मतलब एंड का निशान है वो। एक और ऑपरेटर होगा, कौन सा ऑपरेटर होगा, और जिसके लिए हम प्लस का निशान यूज करेंगे। एक नॉट ऑपरेटर होगा जिसके लिए हम दो निशान प्रयोग कर सकते हैं, एक तो ये वाला निशान प्रयोग कर सकते हैं, ये वाला निशान प्रयोग कर सकते हैं। नॉट के लिए यानी कोई चीज नहीं है उसके ऊपर बार लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बार लगाए। मैं कहता हूँ ए नॉट यानी कि ए नहीं लिया मैंने, तो इसका मतलब ये है ए नोट, ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, दो निशान है इस ए नोट के लिए, ठीक है ना। बुलियन बीजगणित जो दो मूल्यों का बीजगणित हो सकता है, सही हो सकता है या तो गलत हो सकता है, या तो हाँ होगा या तो नहीं होगा, या तो जीरो होगा या तो वन होगा, दो ही बीजगणित के अंदर यानी कि रिजल्ट जो होगा दो ही रिजल्ट होंगे, या तो ट्रू या फॉल्स, या सही या गलत, या जीरो या वन, ठीक है ना। डिजिटल सर्किट के एनालिसिस डिजाइन और फंक्शन के लिए महत्वपूर्ण डिवाइस है, ये मतलब महत्वपूर्ण चीजें हैं ये वाली जो है। बीजगणित के बेसिक की पहचान अगर करें, आइडेंटिटी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, मैथ के अंदर आती है आपकी, 8वीं क्लास में आती है, 7वीं क्लास में आती है। ए प्लस जीरो करोगे तो ए हो जाएगा, ए डॉट वन करोगे तो ए हो जाएगा, ये तो पता होगा ना, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जिसको आप कह क्या क्या कहते हो हिंदी में, क्या कहते हो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को,
कहते तुम्हें क्या कहते हैं हिंदी में, हिंदी में दिमाग से उतर, क्या क्या कहते हैं, क्योंकि 8वीं में मैंने नहीं पढ़ा है, दिमाग से उतर गया, हिंदी में क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आप एक बार अच्छे तरीके से देख लेना, मतलब कल क्लास दोबारा से रिवीजन करोगे क्लास का, तो एक बार ये याद रखना पड़ेगा आपको। देखो मतलब ए डॉट वन है तो ए ही आंसर आएगा, क्यों क्यों आएगा, क्योंकि ए को जीरो करोगे तो यहाँ पर जीरो आंसर आएगा, क्योंकि जीरो की गुणा वन के साथ करोगे तो जीरो ही हो जाएगा, और अगर ए को वन कर देते हो वन डॉट वन आंसर वन ही आना है, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। और यहाँ भी ऐसा है, ए प्लस जीरो है, ए प्लस जीरो है तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ए वन है इसको जोड़ोगे तो वन आंसर आएगा, ए जीरो है तो इसको जोड़ोगे तो जीरो आंसर आएगा, यानी कि आएगा तो ए ही आएगा, तो मोती ही है ना, क्लियर। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, उल्टा सीधा एक समान, यानी कि ए प्लस बी करो बी प्लस ए करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए डॉट बी करो बी डॉट ए करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, आगे पीछे करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ए प्लस बी है बी प्लस ए कर दो, ए प्लस ए डॉट बी है तो बी डॉट ए कर दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा। और ये प्रॉपर्टी माइनस में नहीं होती, फिर माइनस में ये प्रॉपर्टी फेल हो जाती है, माइनस में क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, ए माइनस बी करोगे तो बी माइनस ए फेल हो जाएगा, ठीक है ना, ए माइनस बी करोगे तो बी माइनस ए जो है वो फेल हो जाएगा, है ना, क्लियर है बस भी को। अब की बार 400 पार, एनडीए मोदी का वहम। अच्छा भाई अपना कोई लेना देना नहीं मोदी मोदी है, देखो अपना कोई मतलब नहीं इस चीज़ का, मैं तो मजाक में बोलते करूँ इसी चीज़, पॉलिटिकल में मेरा डिसइंटरेस्ट है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिकल में, ठीक है ना, पॉलिटिक्स में कह लीजिए, पॉलिटिकल में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, आई हैव नो एनी रुचि इन पॉलिटिक्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव, हाँ जानकारी जरूर रखे करूँ, बहुत सारी भाषण जरूर सुने करूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया लोगों के मतलब इनके बहुत भाषण जरूर सुन ले करूँ मैं, भाषण की कला, उससे एक अपने शब्दों को रिप्रेजेंट करने की कला जरूर सीखते हैं उनसे। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता जिसकी वितरणात्मक वितरण प्रॉपर्टी, जिसकी कहाँ वितरण प्रॉपर्टी थी हिंदी में क्या कहाँ, वितरणता कहेंगे वैसे इसने, टोटली वितरणता हिंदी में, ए डॉट बी प्लस सी है तो उसने ए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिखा, ए प्लस बी डॉट सी है तो उसने ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी लिखा, ये आप मैथ में ही पढ़ा हाँ, लगातार पढ़ते हैं वहाँ, मेरे ख्याल है तुमने बेरे भी होगा, ठीक है ना। सर बुलिन की क्लास कब से चल रही है, कब से चल रही है मतलब आज ही चलिए बुलियन की, तो वैसे सारा सारी किताब पढ़ के हम, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा, यानी कि ए में इसका उल्टा जोड़ोगे तो वन आएगा हमेशा, ए में उसका उल्टा की गुणा करोगे तो जीरो आएगी, ए में इसके उल्टे की गुणा करोगे तो जीरो आएगी, ए प्लस ए जोड़ोगे तो ए आएगा, ए डॉट ए जोड़ोगे तो भी ए आएगा, अब ए की जगह वन रखो जीरो रखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ही आएगा, प्रूव करके देख लेना, ए की जगह वन रख के देख लेना, जीरो रख के देख लेना, प्रूव करके देख लेना, यही आंसर आएगा, जहां आप डिस अप्रूव कर पाओ फिर मेरे पास मैसेज भेज देना कि डिस अप्रूव कर दिया सर मैंने इसको, है ना। मेरे टीचर ने सिखाया था मेरे को हमेशा कि प्रूव करना मत सीखो, डिस अप्रूव करना सीखो, मैं डिस अप्रूव करने पे लगा रहता था, है ना, डिस अप्रूव करने में क्या है, बहुत सारी कंडीशंस आप फॉल्स कर लेते हो, ठीक है ना, एंड एंड मतलब डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही है, बिल्कुल एंड मतलब डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही है भाई, ठीक है ना, डॉट जो है इसका मतलब मल्टीप्लाई है, प्लस का मतलब प्लस होता है, और बार का मतलब होता है उल्टा, बार का मतलब क्या होता है उल्टा, ये जो बार है बार वाला निशान था इसका मतलब है उल्टा, ठीक है ना, यानी कि ए बार लिखा है, क्या लिखा है मेरे भाई, सॉरी ए बार लिखा है, ए बार, तो अगर ए की वैल्यू क्या है जीरो है तो ए बार क्या हुआ वन हुआ, कम समझ में, बुलियन वाला भी कोई मामला थोड़े ना, कम समझ में, ये तो वैसे ही अलजेब्रा है, ठीक है ना, समझ बात, ए जीरो है तो ए बार क्या हुआ वन होगा, और अगर ए वन है तो ए बार क्या होगा जीरो होगा, उल्टा है बस इसका उल्टा है, ठीक है ना। आगे आ जाओ, नल एलिमेंट प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ए प्लस वन हमेशा वन के बराबर होता है, किसी के प्लस में वन हो हमेशा वन के बराबर होगा, प्लस में होना चाहिए, किसी के भी प्लस में क्या हो वन हो हमेशा वन के बराबर होगा, ठीक है ना, आपसे देगा इस तरीके से वन प्लस ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी डी, इसका रिजल्ट बताओ क्या आएगा, ऑप्शन आ जाएगा ए बी रिजल्ट आएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा वन रिजल्ट आएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा ए प्लस बी रिजल्ट आएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ दीज, वन आंसर आएगा, किसी के भी प्लस में वन हो आंसर वन, किसी के प्लस में वन हो आंसर वन, ठीक है चलो आ जाओ भाई, किसी के भी डॉट में जीरो हो तो आंसर जीरो,
जीरो बना देगी सबको। इन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर डबल बार लगा रखा हो, यानी कि ए बार है इसके ऊपर भी बार लगा दिया, इसका मतलब तो ए ही होता है। क्यों? क्योंकि ए तो जीरो था, ए बार क्या था, वन था, और ए बी बार, ए का बार तो उल्टा जीरो हो गया। उल्टा क्या हो गया? जीरो, क्योंकि ए बार क्या था, वन, और उसका भी बार क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी कि ए ही हो गया वापिस। ए बार बार क्या हो गया, ए हो गया वापिस, समझ रहे हो? अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी, अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है। अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी कहती है ए प्लस ए डॉट बी अगर है तो वो हमेशा ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है। ये दिखा भी रखा है, ए प्लस ए बी ए के बराबर होता है। ए को कॉमन ले ले तो वन प्लस बी बच जाएगा यहां पर, और ए डॉट वन, ए डॉट वन बराबर ए के होता है हमेशा। ए डॉट वन जो होता है हमेशा, क्योंकि यहां से वन निकलता है, यहां से क्या निकलता है, वन निकलता है। ये प्रॉपर्टी कह रही थी यहां से वन आ जाएगा, ए डॉट वन हमेशा वन के बराबर होता है। और ए डॉट वन किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है हमेशा। किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है। इसे हम ट्रूथ टेबल से भी प्रूव कर सकते हैं। आगे ट्रूथ टेबल भी है, उसे प्रूव करेंगे। डी मॉर्गन थ्योरम भाई, कौन सी थ्योरम? डी मॉर्गन थ्योरम। ये थ्योरम कहती है कि ए प्लस बी अगर उसका बार दे रखा है तो ये बराबर होता है हमेशा ए का बार डॉट बी के बार के बराबर, और अगर ए डॉट बी का बार है तो ये बराबर होती है हमेशा ए का बार प्लस बी का बार, इसके बराबर होती है हमेशा। ठीक है ना? डॉट मीन्स, डॉट का मीन्स होता है गुणा, डॉट मीन्स होता है गुणा, डॉट मीन्स यहां पर गुणा है, गुणा मल्टीप्लीकेशन। सर लास्ट स्लाइड फिर से बताएं, ये वाली लास्ट स्लाइड में क्या था? इसमें ये वाली, इसमें था ही क्या? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मैथ वाली। एक्स एक्स डॉट यानी कि एक्स गुणा में वाई प्लस जेड, ये हमेशा बराबर होगी एक्स वाई प्लस में एक्स जेड, इसके बराबर होगी हमेशा। इसमें क्या था? ये तो मैथ में ही पढ़ते हो आप लोग, नहीं पढ़ते हैं? ये तो मैथ में फॉर्मूले लगाते हो आप लोग। और ये वाला ए प्लस ए कितने ए कर लो, ए ही रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कितना आएगा? ए ही रिजल्ट आएगा। एक्स प्लस एक्स करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा? एक्स रिजल्ट आएगा, एक्स ही रिजल्ट आएगा। डॉट करोगे तो भी ए डॉट ए करोगे तो ए ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि ए की जगह वन रखो, वन डॉट वन कितना आया? आंसर वन आया। ए की जगह जीरो रख के देखो, जीरो डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो, आंसर जीरो। ठीक है ना? ए डॉट ए बार, ए डॉट ए बार बराबर जीरो आएगा हमेशा। ए वन रख के देखो, यहाँ जीरो आ गया तो आंसर जीरो आएगा, फिर भी ए को जीरो रख के देखो ये वन आएगा, फिर भी आंसर जीरो आएगा, फिर भी आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। थोड़ा सा इत्मीनान से, इत्मीनान से इसको कॉपी पे नोट करना और समझने की कोशिश करना, ठीक है ना? थोड़ा सा इत्मीनान से पढ़ना, समझने की कोशिश करना। ये थ्योरम ही आज के लिए पढ़ा देता हूँ, क्योंकि आप एक बार आसानी से इसको पढ़ लोगे, आसानी से समझ लोगे, थ्योरम तक ही पढ़ा देते हैं, इसका दूसरा पार्ट पढ़ा देंगे। इत्मीनान से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को ऐसी। या ट्रूथ टेबल से प्रूव करके है बात, क्या बात प्रूव करके है ट्रूथ टेबल से? ए ले लिया, ए की वैल्यू ले ली, बी की वैल्यू ले ली, ए जीरो है बी जीरो है, ए जीरो है बी वन है, बी वन ए वन है बी जीरो है, दोनों वन है, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होंगी? इसकी इसकी गुणा, इसकी इसकी गुणा, इसकी इसकी गुणा, इसकी इसकी गुणा। अगर ए डॉट बी है उसका बार क्या होगा, यानी कि इसका उल्टा, तो ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये जीरो हो गया। अकेला ए बार यानी कि ए का उल्टा क्या होगा? ये जीरो है तो वन, जीरो है तो वन, वन है तो जीरो, वन है तो जीरो। बी का उल्टा और ए बार प्लस बी बार यानी कि ए बार प्लस बी बार, वन 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 जीरो, वन जीरो वन वन जीरो जीरो जीरो। यहां एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब हम बुलियन में जोड़ करेंगे, बुलियन में जोड़ करेंगे, वन वन हमेशा वन होगा, जीरो नहीं होगा, वन कैरी नहीं जाएगा इसके अंदर। वन और वन हमेशा वन होगा, जीरो नहीं होगा और कैरी नहीं जाएगा बुलियन के अंदर। ध्यान रखना, बुलियन के अंदर कैरी नहीं जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि ये वो वाला जोड़ नहीं है मैथमेटिकल, ये बुलियन वाला है। इसकी में रिजल्ट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। कोई बात नहीं, यहां तक ले लेते हैं, बाकी चीजें कल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? समझ में आ जाना चाहिए। तो और भी यार दोस्तों को, जिन्हों को सगे संबंधी मित्र प्यारों को बुला लेना, जिसने भी नहीं किया, ये बुलियन वाला चैप्टर मैं थोड़ा सा और मतलब इन चीज़ों को आसानी से पढ़ा दूंगा। ये एडवांस का टॉपिक है, बहुत सारे भाई कहेंगे फिर सर एडवांस तो पढ़ाते नहीं, ऐप में ही पढ़ाते हैं, ये वो इत्यादि इत्यादि, है ना? तो यहाँ भी पढ़ा रखें, कोई दिक्कत ही नहीं है, पढ़ा देंगे उनको, पढ़ लेंगे, कोई इश्यू नहीं है।
ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कुछ पूछना है तो भेज सकते हैं अभी। सर वो कौन सी क्लास थी, मैं तो भूल गया, कौन सी क्लास भूल गया भाई। सीटी मेंस के लिए ये क्लास सही है क्या सर, बताना। बिल्कुल बिल्कुल है भाई, बिल्कुल एग्जैक्टली 100% भाई। मित्र ना है कोई, सारे दुश्मन है। अच्छा ना ना ऐसे ना बोलो, डेसिमल वाले सर, डेसिमल वाले में सर, डेसिमल वाले में क्या, केडी केडी सर के फैन क्या करे वो। डीजे चल रहे हमारा तो भाई, लख 28 कुड़ी था टूर में चल रही है, हम रोज अमेरिका जावे कोने को बाजे डीजे डेली। डोंकी मर मर जाए हैं, डीजे बाजे। सर आज यूरी क्लास में कमेंट्स किया मैंने, नहीं मैं चुपचाप देखती हूँ। अच्छा आज इसी क्लास में कमेंट किया है, अदरवाइज चुपचाप देखते हो। अच्छा चलो, एचपीएससी के लिए बेनिफिशियल है क्या, एचपीएससी के लिए मतलब एचपीएससी में कौन से सब्जेक्ट के लिए। बाइनरी वाला पूछ रहा हूँ सर, बाइनरी वाली पंकज यूट्यूब पे ही है यार, एक बार चेक करो, वीडियो में चेक करना, लाइव में मत चेक करना, वीडियो में चेक करो, वीडियो मिल जाएगी, समझे, वीडियो मिल जाएगी, लाइव में नहीं मिलेगी। हर्ष पूछ रहे सीटी का है मेरे भाई, हाँ भाई हाँ, नाइस सेशन गुरुदेव, थैंक यू सो मच भाई। नाम क्या सर, नाम बोल तो दिया, पूरा कंप्यूटर कोड कन्वर्जन एक ही वीडियो में खत्म। सर डाउनलोडिंग अपलोडिंग वाली क्लास भी मिलेगी सर, अरे अजय गिल मेरे भाई, ओ भगत जी, डाउनलोडिंग अपलोडिंग एक एक लाइन है, दो दो घंटे का टॉपिक नहीं है, डाउनलोडिंग अपलोडिंग एक एक लाइन है यार, डाउनलोडिंग क्या होती है, कंप्यूटर में इंटरनेट से फाइल लेना डाउनलोडिंग है, अपलोडिंग क्या होती है, कंप्यूटर से इंटरनेट पर भेजना अपलोडिंग है, बात खत्म, ले हो गया तेरा डाउनलोडिंग अपलोडिंग टॉपिक है, खत्म हो गया तेरा, और बता। भूल रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, अच्छा, थैंक्स सर जी, नाइस सेशन, ले भाई एक तो टॉपिक है खत्म कर दिया तेरा, और बता, हो गया होगा डाउनलोडिंग अपलोडिंग, क्यों टेंशन ले कर तुम्हें। चलो थैंक यू सो मच भाई।